इन तस्वीरों को देख लीजिए, पहचान लीजिए चेहरों को। ये वो लोग हैं जो रैली में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की रैली में आए हुए। इन लोगों को बारिश के बावजूद देख सकते हैं कैसे कैमरा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब कुछ लाइव हो रहा है, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं बचने का, मगर फिर भी जनता है वो लगातार बनी हुई है, रैली में आए हुए हैं। उत्साह कायम है, उत्साह लगातार कायम है। उत्साह इसलिए भी कायम है क्योंकि वो लोग हैं जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं रैली को देखने के लिए आए हैं, जुटे हुए हैं, और इनका एक ही मकसद है नरेंद्र मोदी को सुनना। पुलिस प्रशासन लगातार चिंतित थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगदड़ मच जाए, मगर किस तरह से सिचुएशन को मैनेज कर लिया गया। अब थोड़ी बारिश कम हो गई है, मगर फिर भी लोग लगातार भींगने के लिए तैयार हैं। तस्वीरें देख लीजिए, उत्साह देख लीजिए, सभी लोग भींग रहे हैं लगातार। ये लोग भींग रहे हैं मगर फिर भी रैली में लगे हुए किसी तरह से। पूरी तरह से तैयार है सारे लोग, आप देख सकते हैं उत्साह बना हुआ है। मोदी जी आए हुए हैं इसलिए हम लोग आए यहाँ पर। बारिश में अभी डट, बारिश से वजह से कितना रैली परेशानी हुआ है? कोई परेशानी नहीं है, कार्यकर्ताओं में, बिहार के जनताओं में जोश है, खरोश है। जो पराक्रम दिखाया बारिश के बावजूद आप लोग खड़े हैं। बिल्कुल मोदी जी की रैली है, सब लोग खड़े हैं। उन्होंने तस्वीरों को आप देख सकते हैं, रैली में बारिश हो रही है मगर इसके बावजूद लोग यहाँ खड़े हैं। इन तस्वीरों को पहचान लीजिए, इन चेहरों को देख लीजिए। हौसला है, जुनून है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। लगातार इस दौरान देख लीजिए मंच से लगातार जारी है, नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं और जनता पीछे बारिश में खड़ी है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लोग भी देख लीजिए किस तरह से मुस्तैद हैं कि कहीं कोई भगदड़ न मच जाए। अगर प्रशासन यहां नहीं होती तो कहीं ना कहीं भगदड़ मचने का भी चांस था, मगर फिर भी तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश हो रही है मगर लोग लगातार उत्साह बना हुआ है। जब बारिश शुरू हुई थी तब लोग भागना शुरू कर दिए थे, कई लोग बाहर भाग चुके हैं गांधी मैदान से, मगर अभी भी देख लीजिए उत्साह चालू है, लोग लगातार मुस्तैद हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।